वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहिबुल्लापुर स्टेशन से आज है 4 मार्च और 3 दिन बाद वापस सीतापुर रेलखंड पर, मैलानी रेलखंड पर हमारी रेलगाड़ियों का जो आवागमन है फिर से शुरू हो गया है। और होली से पहले ये अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है तमाम सारे यात्रियों के लिए जिनको कि सीतापुर की दिशा में, लखीमपुर मैलानी की दिशा में यहाँ से यात्रा करनी होती है इस रेलखंड पर। जैसा आप जानते हैं 1 तारीख को 2 तारीख को और 3 तारीख को 3 दिन मार्च में, चूँकि मेगा ब्लॉक चल रहा था डालीगंज मल्होर में और 3 मार्च को CRS निरीक्षण था, तो 3 दिन के लिए यहाँ पर रेलगाड़ियों का संचालन बंद कर दिया गया था। ट्रेन्स कैंसिल थी इस रूट पर, लेकिन अब ट्रेन्स बहाल हो गई हैं, वापस शुरू हो गई हैं। यात्री आप फिर से देख सकते हैं मोहिबुल्लापुर के स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब डालीगंज जंक्शन से चलकर सीतापुर जंक्शन जाने वाली हमारी 0-94 ट्रेन का आगमन कुछ ही समय में होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यात्री धीरे धीरे टिकट लेने तेज़ी से जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर से मुख्य बिल्डिंग की तरफ। यहाँ पर भी एक सेकेंड एंट्री का प्लान करना चाहिए, क्योंकि जो पूरा हमारा अलीगंज और जानकीपुरम की जो कॉलोनी है वो यहाँ से, अगर आप सामने इधर हमारे डालीगंज की दिशा है, लेफ़्ट हैंड साइड पर पड़ेगी इधर जो रेलिंग है, तो भविष्य में जब कभी यहाँ पर दोहरीकरण होगा इन फ्यूचर, अगर डालीगंज से सीतापुर का जब लोड बढ़ेगा, तो उम्मीद है फिर यहाँ पर एक इस दिशा में भी जब ट्रैक्स पड़ेंगे तो यहाँ पर, इधर इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा, तो इस साइड अगर एक छोटी सी यहाँ पर एंट्री और टिकट घर भविष्य में बना दिया जाए, क्योंकि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर काफ़ी दबाव है, आबादी बहुत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब सामने से आते हुए दिख रही है 0-94, तो बहुत राहत भरी खबर है कि रेलगाड़ियों का संचालन वापस पटरी पर अपने लौट आया है और अब होली में घर जाना आसान हो जाएगा। जिनको यात्रा करनी है उनके लिए अब ट्रेन की सर्विस वापस स्टार्ट हो गई है। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 0-94 आ रही है, एक रेक यहाँ पर खड़ा हुआ है रनथ्रू लाइन पर। साथ ही साथ लोगों की मांग है कि जो इस रूट पर कोरोना काल के पहले, लॉकडाउन के पहले जबलपुर हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल चलती थी, उसकी वापसी होनी चाहिए। उत्तराखंड के लिए सीधी एक ट्रेन थी और साथ ही साथ बरेली की दिशा में भी कुछ और ट्रेन शुरू की जानी चाहिए यहाँ से, इस रास्ते से सीतापुर होते हुए मथुरा और कासगंज को भी ट्रेन चलाई जा सकती हैं। धीरे धीरे जो हमारे ICF रेक्स हैं ये हटाए जा रहे हैं, इनकी जगह LHB के हमारे रेक आएंगे, जिसमें यात्रा भी सुविधाजनक हमारी होती है। देखिए लोगों का हॉर्न आपको सुनाई दे रहा होगा, यहाँ से पेंटो दिख रहा है और देखिए अब आपको लोगों की झलक दिखाई दे रही होगी, सामने से देखिए लोगों आ रहा है। 0-94 हमारी ट्रेन आ रही है डालीगंज जंक्शन से चलकर सीतापुर जाने वाली, और यात्री जो है अब इसमें बैठेंगे यहाँ से। तो 3 दिन के बाद रेलगाड़ियों का जो आवागमन है वापस शुरू हो गया है सेक्शन पर, सेक्शन हमारा नॉर्मल हो गया है। देखिए लोग जल्दी जल्दी, जो हमारे पैसेंजर्स हैं जिनको सीतापुर जंक्शन तक यात्रा करनी है, यहाँ से मोहिबुल्लापुर स्टेशन से आगे बख्शी का तालाब, इटौंजा, अटरिया, मनवा, सिधौली होते हुए कमलापुर, खैराबाद अवध और सीतापुर जंक्शन की दिशा में, तो लोग टिकट लेकर के जल्दी जल्दी अब पहुंच रहे हैं। देखिए प्लेटफॉर्म के ऊपर से भी लोग इधर से जा रहे हैं ट्रेन में, और रेलगाड़ियां वापस चलने लगी हैं, तो इससे राहत मिलेगी, क्योंकि बस का सफ़र बहुत महंगा पड़ता है। अब उम्मीद की जा रही है, चूँकि डालीगंज मल्होर दोहरीकरण पूरा हो गया, डबल लाइन खुल गई है, वहाँ पर मेंटेनेंस और वॉशिंग सब कुछ अब गोमती नगर में हुआ करेगा, जितना भी टेक्निकल काम है ट्रेन्स का मैक्सिमम, तो उम्मीद की जा रही है कि अब आगे इस रूट पर भी अब ट्रेन्स
भविष्य में आने वाले समय में अब बढ़ाई जा सकेंगी, क्योंकि रख रखाव गोमती नगर में होगा, वहाँ पर मल्होर का यार्ड भी शुरू हो जाएगा, तो ट्रेन्स के पार्किंग की समस्या समाप्त हो जाएगी, आने जाने में क्रॉस के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अब मार्च के महीने में शायद मेमू ट्रेन्स आ जाएँ, क्योंकि रिक्विजिशन भेजी जा चुकी थी, लखनऊ मंडल में भी इंतज़ार हो रहा है मेमू ट्रेन का, और साथ ही साथ इज्जत नगर मंडल में भी इंतज़ार हो रहा है, प्रतीक्षा हो रही है कि मेमू ट्रेन्स के जो सेट हैं वो जल्द से जल्द आएँ, ताकि शाहजहाँपुर से फिर जो टनकपुर है वो भी रेल सेवा शुरू की जा सके, क्योंकि पीलीभीत जंक्शन पर लोको रिवर्सल करना पड़ता है। इस कारण से कोशिश हो रही है कि मेमू ट्रेन आ जाए, उसके बाद ही टनकपुर तक रेल सेवा शुरू की जाए, डायरेक्ट ट्रेन जो है तो दी जा सकेगी। फिर तो स्टार्टर सिग्नल यहाँ पर मिल गया है, लोको पायलट ग्रीन फ्लैग है, ट्रेन अब जा रही है अपने अगले स्टॉप की तरफ बख्शी के तालाब, यहाँ से वहाँ पर रुकेगी। तो ट्रेन सर्विसेज वापस बहाल हो गई हैं, ये अच्छी खबर है, लखनऊ सीतापुर मैलानी रेलखंड पर। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स आ जाने से जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है, लूप लाइंस पर भी स्पीड जैसा आप जानते हैं बढ़ा दी गई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक अब लूप लाइन पर हमारी स्पीड हो गई है ट्रेन्स की, तो एक्सेलरेशन बहुत अच्छा हो गया है अब ई लोकोस के आ जाने से। Thank you.